तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं मुनव्वर फारूकी जी, वो अपने यूट्यूब चैनल से कितना पैसा अर्न करते हैं। हालांकि मुनव्वर भाई जो अभी हैं वो अपना बिग बॉस में हैं। अगर आपको बिग बॉस की जाननी है अर्निंग कितना कर रहे हैं तो मैंने उसके लिए वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल हम आज बात करने वाले हैं जो उनका यूट्यूब चैनल है उससे वो कितना पैसा अर्न करते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाई आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने भाई का जो चैनल है यूट्यूब का वो ओपन कर रखा है। यहाँ पे टोटल भाई के सब्सक्राइबर हैं वो है 4.4 मिलियन, टोटल वीडियोज़ हैं वो हैं 46। तो अब चलते हैं वीडियो वाले सेक्शन पे और देखते हैं उनकी जो टॉप की वीडियो है उस पर कितने व्यूज़ आए हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पॉपुलर वाला सेक्शन, तो देख सकते हैं 2 साल पहले जो वीडियो डाला है उसमें है 25 मिलियन व्यूज़ एंड उसके बाद है 24 एंड 20। अब आते हैं लेटेस्ट वाले पे कि अभी कितने आ रहे हैं। तो देखो 1 महीने पहले भाई ने वीडियो डाला था उसमें है 2 मिलियन व्यूज़, उससे पहले 4.8 मिलियन, उसके पहले हैं 8.1 मिलियन। अब ऐसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा जल्दी। तो हम करते हैं सोशल ब्लेड की वेबसाइट को ओपन जहाँ पे हमें टोटल व्यूज़ मिल जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे उनकी अर्निंग को कैलकुलेट। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो सोशल ब्लेड की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो गई है और एंड स्क्रीन पे आपको देख रहा होगा टोटल जो व्यूज़ भाई को मिले हैं 30 दिन के अंदर वो मिले हैं 12.5 मिलियन। इसके बाद यहाँ पे अर्निंग भी शो करती है जिसको हमें नहीं देखना है क्योंकि सारी एस्टिमेट अर्निंग होती है। तो उसके बाद आप टोटल देख सकते हैं कितनी वीडियोज़ है, रैंकिंग क्या है वगैरह वगैरह। तो जैसे कि हम देख रहे थे हमें चाहिए होते हैं व्यूज़, तो व्यूज़ हमें मिल गए। अब हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर पे, अब देखते हैं कि अर्निंग कितनी हो रही है। सो कैलकुलेटर यहाँ पे हम कर लेते हैं ओपन एंड व्यूज़ हमको कितने मिल रहे थे, 12 मिलियन। 1 मिलियन में हो जाता है हमारा 10 लाख, तो हम इसको कर देते हैं इनटू, तो ये हमें मिल गए टोटल व्यूज़ 1 करोड़ 20 लाख। अब देखो, अब बात आती है मेन। देखो जब भी हम अर्निंग को कैलकुलेट करते हैं तो हमें चाहिए होता है आरपीएम। अगर आप टैग कैटेगरी के चैनल की बात करेंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, तो वहाँ पे आरपीएम 1000 व्यूज़ पे आपको $1 या फिर कभी कभी उससे भी ज़्यादा मिल जाता है इंडिया में, बाहर तो और भी ज़्यादा होता है। तो भाई का जो चैनल है वो है एंटरटेनमेंट कैटेगरी का, तो वहाँ पे जो आरपीएम है वो थोड़ा सा कम रहता है। सो अभी हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। आरपीएम हम लेते हैं 1500 का जो जनरली रहता है, उसके बाद करते हैं इसको इक्वल, ये हो गया $8000। ठीक है, अब हम करेंगे इसको कन्वर्ट इंडियन रुपीज़ में। सो यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी एंड चलते हैं अपने ब्राउज़र पे वापस। अब यहाँ पे डालते हैं अमाउंट। सो ये आ गई भाई की टोटल अर्निंग इंडियन रुपीज़ में, जो कि होती है 6.5 लाख के आसपास। अब देखो ये अर्निंग आपको बहुत बड़ी दिख रही है। देखो अभी ये भी जो भी अर्निंग शो कर रही है ना आपको 6.5 लाख, ये सिर्फ और सिर्फ एड रेवेन्यू का है। इसके अलावा जो ब्रांड प्रमोशन है उसके पैसा जो भी है अलग से मिलता है, सो उसको यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया है। इसके बाद आती है एक और चीज़, ये जो अर्निंग है वो है कंप्लीट अर्निंग। इसके बाद होता है यूट्यूब का कमीशन जो कि होता है 45%, बचा हुआ 55% जो है वो मिलता है क्रिएटर को। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। अब देखते हैं इसका जो 55% है वो कितना होता है। तो हमने इसको किया यहाँ से कॉपी, वापस जाते हैं अपने कैलकुलेटर पर, यहाँ पर किया इसको पेस्ट इंटू 55 डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया 3,66,800 रुपये। ये हो गया भाई की अर्निंग YouTube से। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल।